जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो यशोदानंदन ब्रज जनरंजन
सिर वन चारी मोरा तीर चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव Amaro dhan radha, shri radha, shri radha.
बसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे 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 बोलो राधे 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 जगत पूरा में वर्धन में राधे राधे बांधटी में राधे राधे पापमोचन कुंड में राधे राधे संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे भैरव कुंड में राधे राधे गौरी कुंड में राधे राधे पुचरिका लोटा राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे नारद कुंड में राधे राधे बाल पोखरा राधे हरि गोकुल में राधे राधे रमण रती में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे राधा माधव राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे जुगल किशोर जी राधे राधे राधा रमण जी राधे राधे अष्ट सखी जी केशव देव जी राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे कपिलेश्वर महादेव गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बोलो राधे 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 वृंदावन में सिमरत गाँव में राधे काल जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे राधे पान गली में राधे राधे सुमन गली में राधे कुंज सुवा में राधे प्रेम गली में राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशु घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहार वन में गोपाल वन में वेणुकूप में राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे पांडेर वन में मधुवन में सूर्य घाट में युगल घाट में विहार घाट में अंधेर घाट में पानी घाट में केली कदम में मथुरा जी में
जन्मभूमि में गोपेश्वर में कृष्णराम घाट में स्वामी घाट में मधु कुंड में अतुल भवन में कावल वन में कुमोद वन में दरिया जी में बराई गांव में करुण गोविंद में केसरी गांव में बहुला वन में संतन कुंड में तेरा गांव में इंद्रा कुंड में सूरा भी कुंड में रावत कुंड में राधे राधे परेशाने वाले राधे 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 परेशाने वाले राधे 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 गुरुस्वामी हो राधे गुरुस्वामी हो राधे 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 परेशाने वाले राधे 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 परसाने वाली राधे हाँ राधे 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 परसाने वाली राधे नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी सम पति और कमानी नाम महा धन है अपनो नहीं दूसरी सम पति और कमानी छोड़ यटारी यटा जग की हम को कुटिया ब्रिज माही बनाने हम को कुटिया ब्रिज माही बनाने टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी टूक मिले रसिकों की सदा और पीवन को यमुना जल पानी हमें औरन की परवाह नहीं अपनी ससुरानी श्री राधे करने अपने ससुरानी श्री राधे अपने ससुरानी श्री राधे करने अपने ठकुरानी श्री राधे करने अपने ठकुरानी श्री राधे करने राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधे श्री राधा श्याम राधा श्याम सुंदर राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्र जय सुभद्रा जगन्नाथ
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya! Prabhupada. Shrimad Bhagvatam Mahapuran Srila Prabhupada Nitai Gaur Premanande Hari Hari Om. Jai Jai Shri Radha Ramana जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की श्रील प्रभुपाद की उपस्थित समस्त श्रोतावृंद समस्त वरिष्ठ भक्तगण श्रवण करने वाले समस्त भक्तगण आप सभी के चरणों में पुनः एक बार मेरा प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण जन्म अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से द्वापर युग के अंत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी द्वापर के अंत में राजा महाराजाओं के द्वारा उत्पीड़ित देवी पृथ्वी की स्थिति का वर्णन किए, साथ ही साथ हमने यह भी श्रवण किया भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा आदि देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा, मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूं। समस्त देवता अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं और अब भगवान के अवतार की राह देखते हैं। दूसरी ओर
सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं, भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है मथुरा। भारतवर्ष में जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारिकापुरी और मथुरापुरी। मथुरा जो है शास्त्रों के द्वारा वर्णित इन सभी पुरियों में से एक है। मथुरा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मथुरा इतना समृद्ध देश था, मथुरा नगरी इतनी समृद्ध हुआ करती थी जिस मथुरा में पशुओं के शरीर पर कई किलो कई टन सोना लगाया जाता था। समस्त यादवों ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाई। राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा और इस नगरी की विशेषता सुखदेव जी कहते हैं, नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान नित्य निरंतर विराजते हैं। ब्रज 84 कोस को छोड़कर, ब्रजमंडल भूमि को छोड़कर भगवान कभी दूर नहीं जाते हैं। सदा सदा के लिए भगवान मथुरा में वास करते हैं। नित्यम सन्निहितो हरि, ऐसी नगरी है जहां पर हरि का निवास है। हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि, जो हर ले उसे हरि कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। उनमें से दो अर्थ मुख्य है। हरि का एक अर्थ है जो अपने आश्रित भक्तों के दुख को हर ले उसे हरि कहा जाता है। जीवन में कितनी भी चिंता हो, दुख हो, कष्ट हो, यदि हरि की शरण ग्रहण करते हैं तो वह हरि अपने भक्तों का सारा दुख हर लेते हैं, सभी दुखों से मुक्त कर देते हैं। और इसीलिए जब पार्वती ने शिव जी से कहा, आप मुझे राम कथा सुनाइए, राम कथा सुनाते हुए शिव जी ने मंगलाचरण करते हुए कह दिया, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंग Hare Krishna
भगवान को प्रणाम करते हुए शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मंगल के भवन हो, आप साक्षात मंगल के निदान हो और अपने सभी भक्तों के अमंगल को हरने वाले हो। प्रभु, आप मंगल देते हो और अमंगल हर लेते हो। हे मंगल प्रदान करने वाले, अमंगल को हरने वाले ईश्वर, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर करुणा कीजिए। मंगल भवन अमंगल भवन अमंगल हारी। भगवान राम, कृष्ण या विष्णु, जिसे हरि कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के अमंगल को हर लेते हैं, वे अपने भक्तों के दुख को हर लेते हैं। दुख दारिद्र्य से मुक्त होना चाहते हैं तो हरि की शरण ग्रहण कीजिए, कृष्ण की शरण ग्रहण कीजिए। इस संसार में जब कोई आदमी दुखी होता है तो किसी साधारण आदमी की शरण में जाता है या किसी देवी देवताओं की शरण में जाता है। परंतु विचार कीजिए भक्तों, संसार का आदमी रात दिन दुखी है, ऐसे दुखी लोग हमारे दुख को कैसे दूर कर पाएंगे? न तो कोई मनुष्य हमारा दुख दूर कर सकता है और न तो देवता, क्योंकि देवताओं को भी जब दुख होता है तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कौन है इस संसार में जो हमारे दुख को दूर कर सके? सूफी ने बहुत सुंदर शेर लिखा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। इस बस्ती में, इस संसार में ऐसा कौन है जो हमारे आंसुओं को पोंछ सके, जो हमारे दुख को दूर कर सके? क्योंकि इस दुनिया में तो सब लोग रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। दिल्ली के दरबार में एक भिक्षु पहुंच गया, जहां पनाह राजा नमाज पढ़ रहे थे। भिक्षुक राजा के कमरे में पहुंचा, राजा को नमाज पढ़ते हुए देखकर भिक्षुक वहां से वापस लौट गया। नमाज पढ़ते हुए राजा ने देख लिया कि कोई भिक्षुक आया था। तुरंत राजा अपनी नमाज, अपनी प्रार्थना स्तुति समाप्त करके उस भिक्षुक के पीछे गए, रोका, कहा, भिक्षुक तुम मेरे दरबार में आए और खाली हाथ वापस जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। भिक्षुक ने अफसोस करते हुए कहा, राजन मैं तो बहुत बड़ी आशा लेकर आया था आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन जब आपके कमरे में, आपके कक्ष में मैंने आपको देखा, तब पता चला
कि मैं भी भिखारी और आप भी भिखारी, और मैं तो छोटा मोटा भिखारी हूं, आप तो बहुत बड़े भिखारी, क्योंकि हम तो एक हाथ से मांगते हैं, आप दो दो हाथ से मांग रहे थे, आप दो दो हाथ से। शांत, धीरे धीरे। इस संसार में सब लोग भिखारी हैं, इसलिए तो भारत के संतों ने कहा दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता देने वाला तो एक राम है, कृष्ण है, ईश्वर है। जीवन के सभी दुखों से मुक्त कराने वाला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये वो मथुरा है जहां पर साक्षात हरि भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि का एक अर्थ है भक्तों के अमंगल को हरने वाले, भक्तों के दुख को हरने वाले, और हरि का दूसरा अर्थ है प्रेम दिया हरे मन। हरि माने सुंदर, जो अपनी सुंदरता से अपने भक्तों के मन को हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। कृष्ण अपनी सुंदरता से, अपने गुण से, अपने रूप, अपनी लीलाओं से भक्तों के चित्त को हर लेते हैं। ब्रजवासी गण गाते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। बोले हमारे ब्रज में एक चोर आया है, क्या चुराता है? बोले माखन चुराता है। गोपांग नानाम दुकुल पित्त चोरम, और माखन ही नहीं गोपियों के वस्त्र को चुराता है। दुनिया में बहुत बहुत चोर देखे हैं, किसी का धन चुरा ले, किसी का गहना चुरा ले, किसी के घर जाकर टीवी और फ्रिज चुरा ले, किसी की गाड़ी चुरा ले, सफेद कोट में किसी की किडनी चुराने वाले तक चोरों को देखा है। लेकिन हमारे ब्रज में जो चोर आया है वह तो अद्भुत है, वह तो अपने भक्तों के हृदय को चुरा कर भाग जाता है, हार्ट ही चुरा लेता है। श्री राधिका या हृदयस्य चोरम चोराग्य गमनम पुरुषम नमामि। ये चोर नहीं, ये दुनिया के सभी चोरों का सरदार है, और इस चोर के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। अद्भुत चोर है ये। मैं हरि शब्द के ऊपर कह रहा हूं, हरि माने हरति इति हरि, के दुख को हरे, गोपियों के वस्त्र को हरे, माखन को हरे, ये है हरि। ब्रज में जब भगवान कृष्ण 5 साल के हुए, थोड़ा सा चलना सीख गए, तो गोकुल में प्रसिद्ध लीला प्रारंभ की, माखन चोरी लीला। गोपियों के घर जा जाकर माखन चुराने लगे। एक दिन सारी गोपियां यशोदा मैया के पास आई, कहने लगी, मैया मैया तुम ये गांव छोड़कर चली जाओ, अपने लाला को लेकर इस गांव से चली जाओ, क्योंकि अब हम तुम्हारे लाला के साथ इस गोकुल में नहीं रह सकते हैं। अपना गाँव ले व नंद रानी हम कहूँ अनंग बसेरी जा। सुन के बाकर खोल के साकर
हमारे घर की साकर को कैसे भी करके खोल कर तोड़ कर घुस जाता है और चोरी करता है। ब्रज की सारी गोपियां यशोदा को शिकायत करती हैं, मां रानी जू अब आप गोकुल छोड़कर चली जाओ। यशोदा कहती है क्या किया मेरे लाला ने, बेचारा ठीक से चलना भी नहीं जानता है, और तुम कहती हो कि कृष्ण तुम्हें परेशान करता है। क्या परेशान करता है? सुखदेव जी ने भागवत में लिखा, वत्सान मुंचति क्वचित असमये क्रोध संजात हास। मैया आप ये बताओ ये क्या नहीं करता है? जब हम घर का काम करती हैं तो ये हमारे घर में घुस जाता है और असमय में बछड़ों को छोड़ देता है। गौशाला में जहां बछड़े बंधे होते हैं उस बछड़ों को छोड़ देता है और असमय में बछड़े अपनी माँ गाय के पास चले जाते हैं और गाय का सारा दूध बच्चे पी जाते हैं और हमारे लिए एक बूंद भी नहीं बचता है। हम ग्वाले हैं, हमारा जीवन गाय और गाय के दूध के ऊपर आधारित है और जब इस प्रकार से सारा दूध बछड़े पी जाते हैं हमारे लिए कुछ नहीं बचता है। मैया हंसने लगी, अच्छा मेरा लाला ये करता है, बछड़ों को छोड़ देता है। यशोदा ने कहा यदि मेरा लाला बछड़ों को छोड़ देता है तो उसे डांटना चाहिए, थोड़ा धमकाना चाहिए। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब हम कृष्ण को डांटती हैं तो ये ऊपर से हम पर क्रोध करता है, क्रोध करते हुए हमें कहता है मैंने किसके बछड़े को छोड़ा, तुम्हारे ही बछड़े को छोड़ा है ना, किसने दूध पिया है, तुम्हारे बछड़े ने पिया ना कि मैंने दूध पिया है, एक बूंद भी मैंने दूध नहीं पिया, सारा दूध तुम्हारे बछड़ों ने पिया तो तुम्हारा बछड़ा बलवान होगा कि मैं बलवान हो जाऊंगा। निर्दयी कही की कायर देखती नहीं है बछड़े कितने सूखे पतले हो गए हैं, कसाई बिना दूध पिला के बिना भोजन करा के बछड़े को मारती हो। जब हम कृष्ण को डांटती हैं तो कृष्ण हम पर क्रोध करता है और जब हम मैया उस बछड़े को बांधने के लिए जाती है ना तो कृष्ण हमारे घर में घुस जाता है। मैया ने पूछा क्यों तुम्हारे घर में आएगा, क्या मेरा घर छोटा है? बोले मैया ये तो हम भी नहीं जानती हैं लेकिन हमारे घर में घुसकर वो माखन की चोरी करता है, माखन खोजता है। यशोदा ने कहा मेरे घर पर माखन की कमी है कि तुम्हारे घर का माखन खाएगा? गोपियों ने कहा मैया ये तो हमें भी समझ में नहीं आता है लेकिन कुल मिलाकर हमें इतना पता चल चुका है कि इसको चोरी का माल बहुत पसंद है। ये सीधा सीधा खाने वाला लड़का नहीं है, चोरी करना ही इसे अच्छा लगता है। माखन की चोरी करता है, हमारा सारा माखन खाली कर देता है। यशोदा ने कहा सखी यदि तुम्हारे घर पर माखन की चोरी हो रही है तो एक काम करो अपने माखन के मटके को किसी अंधेरे कमरे में रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, माखन के मटके को अंधेरे कमरे में रखती है लेकिन तुम्हारे ये लाला के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है और तुम ऊपर से उनके गले में पद्मराग मणि पहनाती हो, उस प्रकाश के कारण अंधेरे से अंधेरे कमरे में भी प्रकाश हो जाता है और माखन के मटके को ढूंढ लेता है, खोज लेता है। यशोदा ने कहा यदि इतना ही माखन चोरी का भय है तो गोपी एक काम करो अपने माखन के मटके को थोड़ा ऊपर टांग कर रखो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जब हम मटके को ऊपर टांगती हैं तो ये उखल घसीट कर लाता है
उखल के ऊपर चढ़कर उस माखन के मटके को उतार देता है। यशोदा मैया ने कहा, सखी एक काम करो, मटके को और ऊपर बांधो। किसी गोपी ने कहा, मैया ये भी करके देखा, ये भी करके देखा, ये तुम्हारा लाला दिखने में छोटा है लेकिन है सबका बाप। दिखने में छोटा भोला सा सांवरी सी सूरत है लेकिन है सबका बाप। इतनी बुद्धि है इसमें, लंबी लकड़ी लेकर आता है, लंबी लकड़ी लेकर आता है और मटके के बीच में छोटा सा छेद करता है और फिर सब लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं मुंह खोलकर। किसी गोपी ने कहा, मां मां तुम्हारा लाला माखन का है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा बालक है, छोटा सा पेट, कितना माखन खाएगा। ये कृष्ण माखन खाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अकेला नहीं, अपनी टीम को साथ में लेकर आता है, बहुत बड़ी इसकी टीम है। और यदि टीम को भी साथ में लेकर आए फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वानरों को साथ में रखता है, बंदरों को साथ में लेकर आता है। कृष्ण ने ब्रज लीला में, कृष्ण लीला में बंदरों को माखन खिलाया। यह सोचा भगवान ने कि पूर्व लीला में, त्रेता युग में, राम अवतार में मैंने वानरों से बहुत मेहनत कराई, समुद्र पर सेतु बंधवाया, असुरों के साथ युद्ध करवाया, और उस समय में इन वानरों को कुछ नहीं दे पाया क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम जो था मर्यादा में बंधा हुआ था, उस समय मर्यादा में था, लेकिन अभी तो कोई मर्यादा नहीं, अमर्यादित, इसलिए भगवान ने वानरों को माखन खिलाया। वास्तव में कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अन्य अन्य अवतारों में कृष्ण की बहुत कम कला प्रकट हुई है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। पंचवटी में जब सुरपणखा राम के पास आई, प्रस्ताव रखा, राम राम आप मेरे से विवाह करो। राम ने कहा, मेरा तो सिद्धांत है एक वचन एक बाण और एक पत्नी, मेरी पत्नी मेरे साथ है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। एक काम करो, मेरा भाई लक्ष्मण अकेला है, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारा स्वीकार कर लेगा। सुरपणखा लक्ष्मण के पास गई, निवेदन किया, मुझसे शादी करो। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो शादी कर लूंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घाटा तुमको जाएगा, तुम घाटे में रहोगी, क्योंकि मैं राम का दास हूं, और यदि तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो दासी बनोगी, और राम के साथ विवाह करोगी तो रानी बनोगी। दासी बनना है रानी बनना है? बोले रानी बनना है तो राम के पास जाओ। सुरपणखा राम के पास गई, राम सुरपणखा को लक्ष्मण के पास भेजते हैं, लक्ष्मण राम के पास भेजते हैं, सुरपणखा की हालत फुटबॉल की तरह हो गई, यहां से वहां। वर्णन है रामायण में, अंत में भगवान ने सुरपणखा के नाक को काट दिया लेकिन उससे विवाह नहीं किया। कई बार मैं सोचता हूं, उस समय सुरपणखा के सामने राम के बदले कृष्ण होते तो, और सुरपणखा प्रस्ताव रखती, मेरे से शादी करोगी, कृष्ण कहते, सुरपणखा तुम भी आओ, तुम्हारी कोई बहन है उन्हें भी लाओ, कोई सखिया उनको होलसेल में लाओ, क्योंकि ये तो अमर्यादित भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इन्होंने सबको सौभाग्य दिया, चाहे ब्रज की गोपी हो, मथुरा की महिषी हो, या वह कुबजा हो।
या द्वारिका की पत्नियां हो, कृष्ण ने वानरों को माखन खिलाया, कहा मैया मैया कृष्ण माखन खाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी टीम को लेकर आता है, वानरों को खिलाता है। यशोदा ने कहा एक काम करो सखी, सखी यदि माखन चोरी का भय है तो अपने घर पर माखन रखो ही मत, माखन रखोगी तो चोरी होगी ना। अब जिसके घर पे धन है ही नहीं तो चोरी का क्या भाई। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, जिस दिन हम घर पर माखन नहीं रखती हैं, कृष्ण घर पर आते हैं और कृष्ण को जब माखन नहीं मिलता है तो कृष्ण क्रोध करते हैं। ये छोटा सा लड़का इतना आक्रोश में आ जाता है, इतना क्रोध करता है, हमको श्राप देने लगता है, इस घर में मेरे खाने के लिए माखन नहीं है, इस घर में मेरे खाने के लिए भोजन नहीं है, मैं श्राप देता हूं यह घर, इस घर की 21 पीढ़ी हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगे, दरिद्रता आ जाए इस घर में, भिखारी बन जाए सब लोग। मां यदि छोटे से बालक की वाणी यदि सत्य हो गई तो हम तो गए ना काम से, भाई के मारे माखन रखना पड़ता है, इसके डर से इसके भय से माखन रखना पड़ता है। मैया ने कहा देखो सखी एक काम करो, कृष्ण जब तुम्हारे घर पर माखन की चोरी करने आए तो तुम सामने से ही कृष्ण को माखन दे दो, चोरी की नौबत ही नहीं आएगी, और कृष्ण तुम्हारा जितना माखन खाएगा उससे 10 गुना माखन मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन आज के बाद मेरे बेटे का नाम मत बिगाड़ना, जब वो आए तो सामने से माखन दे दो। किसी गोपी ने कहा मैया ये भी करके देखा, सच कहूं मैया इसको चोरी का माल पसंद है, और डांटते हुए कहता है कि हम लोग मेहनत की खाने वालों में से है, फोकट का नहीं खाते, जानती नहीं चोरी करने में कितनी मेहनत, कितना प्लान बनाना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, कर्मण में अधिकार अस्ते मां फलेशु कदाचन, भगवान ने यह सिद्धांत बताया। गोपियों ने कहा मैया मैया अब तो हम थक चुकी हैं, तुम कृष्ण का कुछ करो। खैर वास्तव में गोपियां परेशान होकर नहीं आती थीं, कृष्ण का दर्शन करने के लिए यशोदा के घर पर आती थीं, और इस प्रकार से ब्रज में भगवान की सुंदर लीला होती थी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मथुरा नगरी का परिचय देते हुए कहते हैं राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। ये वो मथुरा है जहां पर हरि नित्य निरंतर निवास करते हैं। नारद मुनि ने चौथे स्कंद में ध्रुव को भी यही बात बताई तत्तात गच्छ भद्रम ते यमनायाम स्तटम शुचि धन्यम मधुवनम पुण्यम सानिध्य नित्यदा हरे। जहां हरि का नित्य सानिध्य रहता है वो है मथुरा नगरी, वो है मथुरा मंडल, गौर मंडल, ब्रज मंडल, यादवों की राजधानी मथुरा। और वृष्णि वंश में आगे चलकर राजा शूरसेन का जन्म हुआ, और शूरसेन के छोटे पुत्र जिसका नाम था वसुदेव, जिसका दूसरा नाम था आनक दुंदुभि,
क्योंकि वसुदेव जी का जब जन्म हुआ, देवतागण आकाश में प्रकट हुए, पुष्प की वृष्टि कर रहे थे, देवताओं की आकाशवाणी हुई, ये बालक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा, सत्यभाषी होगा। और उस समय देवताओं ने बाजे बजाए, इंस्ट्रूमेंट बजाए, आनक दुंदु भी बाजे का नाम है, आनक दुंदु भी देवताओं ने बजाई थी इनके जन्म के समय, इसलिए वसुदेव का एक नाम था आनक दुंदु भी। तो राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का विवाह मथुरा में ही रहने वाले राजा देवक की कन्या देवकी के साथ होने जा रहा था। प्रश्न तो हो सकता है ना कि मथुरा में ही रहने वाले व्यक्ति का विवाह मथुरा वाली के साथ है? आपके समाज में तो पता नहीं, हमारे समाज में तो ऐसा रिवाज है एक ही गांव में किसी लड़के लड़की का विवाह नहीं होता, भाई बहन का रिश्ता माना जाता है ना एक ही गांव में। तो मथुरा में ही रहने वाले वसुदेव और मथुरा की ही देवकी का विवाह क्यों? आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा, क्योंकि मथुरा बहुत समृद्ध नगरी थी और मथुरा जैसे आज का अमेरिका, आज अमेरिका 10 साल आगे हैं हमारे देश से, उन दिनों मथुरा सबसे आगे था। और आज भी ऐसी कहावत है, मथुरा की बेटी मथुरा की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। बहुत बहुत कर्म फूटे हुए हो तब मथुरा की बेटी कहीं बाहर जाकर बसेगी, विवाह करेगी। समृद्ध नगरी थी, समृद्धता थी, इसलिए मथुरा में ही दोनों का विवाह हुआ। वसुदेव जी की बारात देवकी के वहां 15 दिन तक रुकी है। आजकल तो एक ही दिन में विवाह समाप्त हो जाता है, अब एक दिन वाला भी रिवाज चला गया, आधे दिन में ही विवाह है खत्म। और ये तो हमारे देश में, अन्य देशों में तो आधा दिन भी नहीं लगता, कोर्ट में जाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, शादी हो गई, बात खत्म। कितनी सुंदर संस्कृति हुआ करती थी अग्नि की साक्षी में, हैं समाज की साक्षी में, हैं माता पिता की साक्षी में, हैं बंधु बांधव वडिल वरिष्ठ जनों की साक्षी में एक वर और वधु का विवाह होता था। और ऐसा विवाह, ऐसा बंधन होता था कि जीवन में कभी टूटता नहीं था, वह प्रेम वह संबंध बरकरार रहता था। लेकिन आज लोग लव मैरिज करते हैं, नाम का लव है। तत्व से देखा जाए तो आज का लव लव नहीं, लस्ट है, काम है, क्योंकि प्रेम तो मात्र भगवान से ही संभव है। आत्मा चिन्मय है, आत्मा सच्चित आनंदमय है, यह चिन्मय तत्व सच्चित आनंदमय तत्व का प्रेम किसी जड़ वस्तु से हो ही नहीं सकता, किसी जड़ देह से हो ही नहीं सकता। यदि कोई कहता है कि मैं फलाने से प्रेम करती हूं, मैं फलाने से प्रेम करता हूं, बिल्कुल गलत, यह परिभाषा ही गलत है। आत्मा चिन्मय तत्व है, चिन्मय तत्व का प्रेम चिन्मय तत्व से ही हो सकता है। हम ऐसा कहे फलाने व्यक्ति से या किसी वस्तु से हम प्रेम करते हैं, गलत। प्रेम मात्र भगवान से ही संभव है। लेकिन लव मैरिज के नाम पर कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, पेपर पर सिग्नेचर करते हैं, और उस पेपर के साथ ही अटैच होता है डिवोर्स का पेपर। आजकल तो सिस्टम इतनी पावरफुल है, वो भी रेडी रखते हैं क्योंकि भरोसा नहीं कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ जाए। और लव मैरिज किया हुआ आदमी 1-2 साल या 3 साल बाद में डिवोर्स हो जाता है।
हमारे वैदिक संस्कृति में गीता, भागवत, रामायण या वेद जैसे ग्रंथों में डिवोर्स नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये तलाक, ये डिवोर्स हमारे शास्त्र की बात ही नहीं है। आज से 50 साल पहले किसी की तलाक नहीं होती थी, किसी का डिवोर्स नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वह विवाह वेद विधि के अनुसार होते थे। माता पिता अपनी बेटी के लिए वर चुनते थे और अपने बेटे के लिए किसी वधू को चुनते थे, और जो विवाह होता था बिल्कुल पक्का होता था। और आज का विवाह तो कोर्ट के कागज जितना ही पक्का होता है, कागज को फाड़ दो ऐसे विवाह भी फट जाता है, कोई दम नहीं। शादी के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, शादी के बाद मैं अक्सर कहता हूं शादी के पहले हीरो नंबर वन, शादी के बाद कुली नंबर वन, दोनों गोविंदा के। ये हालत आज की। तो भक्तों, वैदिक विधि से विवाह होना चाहिए, वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह। पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाते हुए हम हमारी वास्तविक संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हमारे गुरु महाराज अमेरिका में कथा कर रहे थे, तो अमेरिका के किसी आदमी ने पूछा, गुरु महाराज कृष्ण के सारे अवतार भारत में ही क्यों होते हैं? एक तो अमेरिका यूरोप में होना चाहिए था। उनकी बात भी सही थी। बोले सारे अवतार, राम, नरसिंह, वामन, वराह, ये सारे अवतार भारत में हुए, अमेरिका में क्यों कोई अवतार नहीं हुआ? गुरु महाराज ने तत्कालीन उत्तर दिया, भगवान को अवतार लेने के लिए अच्छे माता पिता चाहिए। तुम्हारे यहां अच्छे माता पिता है कहां? आज शादी करते हैं तो एक दो साल के बाद डिवोर्स ले लेते हैं। अब आए तो भगवान कहां आए? जहां पवित्र गृहस्थी है, जिस गृहस्थी में भजन होता है, भक्ति होती है, वहां भगवान आए। ये विवाह जो है अच्छी चीज है, भगवान के माता पिता भी विवाह कर रहे हैं। अब यहां तो ब्रह्मचारी भी बैठे हैं, क्या बताऊं, दोनों अच्छा है, ब्रह्मचारी भी अच्छा है और गृहस्थ भी अच्छा है। कोई ब्रह्मचारी आश्रम स्वीकार करे वह भी भगवान को प्राप्त करेगा, और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया वे भी भगवान को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचारी आश्रम जो है मोटरसाइकिल की तरह है। आज हम लोग गए थे, कहाँ गए थे, हाँ एक जगह पर गए थे, बहुत ट्रैफिक था और दो ब्रह्मचारी मोटरसाइकिल गर करके चले गए, आगे पहुंच गए। उसे देखकर मेरे मन में हुआ, ये ब्रह्मचारी आश्रम जो है मोटरसाइकिल की तरह है। कितनी भी ट्रैफिक हो, मोटरसाइकिल अपना गैप निकाल कर पहुंच जाती है, क्योंकि छोटी सी होती है, दो चक्का। तो ब्रह्मचारी आश्रम अकेला आश्रम होता है, आदमी अकेला होता है, आगे पीछे कोई नहीं, भजन करने में सरलता सुविधा। तो ब्रह्मचारी आश्रम में भगवान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। और गृहस्थ आश्रम कैसा है? ब्रह्मचारी मोटरसाइकिल की तरह है, तो गृहस्थ जो है ट्रक की तरह है, ठेला जानते ना, बहुत बड़ा ट्रक है, धीरे 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 चलता है, देखते हुए सबको साइड देते हुए। ट्रक चलाने वाला त्रिनादपि सुनी चैन होता है। नम्रता यदि सीखनी है तो ट्रक वालों से। मैं कई बार देखता हूँ, एक हॉर्न मारो तो बेचारा मेंटली प्रिपेयर होता है कि भाई मुझे धीरे चलना है, आगे चले जाओ आप। त्रिनादपि सुनी चैन तरो रही। तो गृहस्थ आश्रम जो है ट्रक की तरह है, आगे पीछे सब सोच समझ कर ट्रक चलाना पड़ता ना, साइड में लेना है तो पार्किंग में भी खड़ा करने के लिए आधा घंटा जाता है ट्रक को,
और मोटरसाइकिल स्टैंड लगाकर ब्रह्मचारी चलने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गृहस्थ आश्रम जो है ट्रक की तरह है, लेकिन याद रहे ब्रह्मचारी भी पहुंचता है, वो जल्दी पहुंचता है, ट्रक भी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, भले देरी से लेकिन पहुंचा तो देता ही है, दोनों पहुंचते हैं। ब्रह्मचारी मोटरसाइकिल की तरह है तुरंत पहुंच जाते हैं, और गृहस्थ ट्रक की तरह है थोड़ा देरी से पहुंचता है, लेकिन याद रहे मोटरसाइकिल को स्लीप होने का भय है। श्रील प्रभुपाद मोटरसाइकिल को मर्डर साइकिल कहते थे, मोटरसाइकिल को ये कभी भी, इसलिए ब्रह्मचारी आश्रम बहुत तुरंत भगवान की प्राप्ति कराने वाला, लेकिन कभी भी पतन करा सकता है, कभी भी ब्रह्मचारी स्लीप हो सकता है, सफेद चादर में छोटा सा धब्बा भी तुरंत दिख जाता है। तो एक गुण और एक दोष ब्रह्मचारी में भी है और गृहस्थ में भी है। ब्रह्मचारी जल्दी भगवान को प्राप्त करता है लेकिन रिस्क है स्लिप होने का, और गृहस्थ जो है देरी से पहुंचता है, ट्रक की तरह है, लेकिन स्लिप होने का कोई भय नहीं। एक्सीडेंट भी हुआ तो सामने वाले को टेंशन, ट्रक वाला तो बैठा रहता है। बताइए मारुति कोई आई या कोई मोटरसाइकिल ट्रक के साथ टकराया, ट्रक वाला तो बैठा रहता है, वो तो टेंशन सामने वाले को है? तो गृहस्थी को इतनी सुविधा है, स्लीप होने का इतना भय नहीं है, क्योंकि बेचारे शादी करने के बाद आधे तो ऐसे ही स्लीप हो जाते हैं, आधा तो आदमी ऐसे ही मर जाता है, आधा दम तो दंपति का ऐसे ही निकल जाता है। खैर फिर भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है, प्रभु मुझे ब्रह्मचारी बनना चाहिए या गृहस्थ, दोनों आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, बस हमारा स्वभाव क्या है। यदि हमारा स्वभाव निवृत्ति का है, निवृत्ति मार्ग का है, विरक्त और त्याग का स्वभाव है, तो हमारे लिए ब्रह्मचारी आश्रम श्रेष्ठ है, और यदि हमारा स्वभाव भोग भोगतने का है तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। अपने अपने स्थान पर दोनों। 12 महाजन हुए, उनमें से आधे गृहस्थ हैं आधे ब्रह्मचारी। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैया सकिर वयम। लेकिन अंत में एक बात इन दोनों आश्रमों के लिए कह दूं कि गृहस्थ को चाहिए ब्रह्मचारियों का आदर करें, और ब्रह्मचारी को चाहिए गृहस्थों का आदर करें, क्योंकि ब्रह्मचारी गृहस्थों का मार्गदर्शन करते हैं और गृहस्थ ब्रह्मचारियों को जन्म देते हैं। यदि गृहस्थ ही न हो तो ब्रह्मचारी प्रकट कैसे होंगे, उनका जन्म कैसे होगा। इसलिए दोनों आदरणीय आश्रम है, दोनों का आदर होना चाहिए, दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, दोनों उत्तम है। वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ हो रहा है, 15 दिन तक बरात रुकी है, अतिथि सत्कार हुआ, सुंदर नाच गान हुआ, सुंदर भोजन समारोह हुआ, और भक्तों 15वें दिन जब देवकी का विदाई करने का समय आया, 15वें दिन जब देवकी को विदा करने का समय आया, उस समय राजा देवक ने अपनी बेटी को बहुत दान दिया, भेंट दिया, दहेज नहीं था, दहेज तो उसे कहते हैं जो मांगा जाता है बलात्, ये तो प्रेम से राजा देवक ने अपनी बेटी को प्रदान किया। आज का छोटे से छोटा पिता भी अपनी बेटी के विवाह में पूरी ताकत लगा देता है, ये तो राजा थे। अपनी बेटी को दान में क्या दिया सुखदेव गोस्वामी दो श्लोक में वर्णन करते हैं, सुनिए। पंच
चतुर्शतम् परिबरहम् गजानाम् हिममालिनम् अश्वानाम् युतम् सार्धम् रथानाम् चत्रिशतम् चतुर्शतम् परिबरहणम्। राजा देवक ने अपनी कन्या को 400 हाथी प्रदान किए। कैसे थे हाथी? सभी हाथियों के गले में सोने की माला थी, बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड से मढ़े हुए थे सारे हाथी। 400 हाथी सोने से भरे हुए और 15,000 घोड़े, सारे घोड़ों के गले में सोने की माला थी, वो भी सोने से मढ़े हुए। 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ, और वो भी सोने के। आज तो हमारे मंदिर में ये जो मंदिर बनने वाला है उसमें सुंदर लकड़े का मंदिर होगा, उसमें हम सोने का पानी चढ़ाने वाले हैं। तो आज इसका एस्टिमेट ले रहे थे, हम लोगों को पसीना निकल गया केवल पानी चढ़ाने के लिए। और उस समय पशुओं के ऊपर सोना लगाया जाता था। कितना समृद्ध था हमारा देश, पशुओं के ऊपर कई किलो टन सोना लगाया जाता था। और आज तो आदमी 50-100 ग्राम की एक चेन पहन लेता है गले में, जमीन से 1.5 फुट ऊपर चलता है। मैंने पहना है, क्या तूने पहना है? ये सब पशु लोग पहनते थे, पशुओं का काम था। 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, एक एक रथ में 4-4 घोड़े लगे हुए थे। इतना ही नहीं, राजा देवक ने अपनी बेटी के साथ 200 दासियों को भेजा, सम अलंकृतम, उसके गले में भी सोने की माला और सब कुछ, ये सोचकर कि मेरी बेटी को ससुराल में जाकर बर्तन मांजना न पड़े, कपड़ा धोना न पड़े, ये 200 दासियां फुल टाइम उसके साथ रहेगी, घर का सारा काम करेगी। बताइए कितना प्रेम होगा राजा देवक का। राजा देवक से यह सीखना चाहिए, अपनी बेटी को देना चाहिए। यद्यपि वो मांगती नहीं है, लेकिन बाप का कर्तव्य है अपनी बेटी को भेंट करे। सुखदेव गोस्वामी ने वे वस्तु भागवत में गिनाई जो रोड पर दिख रहा था। अब चेक कितने रुपये का दिया होगा, चेक वो तो यहां पर वर्णन नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर की बात होती है ना। तो सब कुछ, 1800 रथ खड़े हैं और बिल्कुल बीच में वसुदेव जी का रथ है। और अब विदाई का समय हुआ, ढोल नगाड़े पखावत शहनाई तुरही बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाने लगे। और उसी समय वसुदेव जी और देवकी अपने रथ के निकट पहुंचे। वसुदेव जी अपने रथ पर सवार हुए, देवकी को रथ पर बिठाया गया। उस समय अपनी बहन को विदाई करते समय देवकी का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था कंस। राजा देवक का एक भाई जिसका नाम था उग्रसेन, और उग्रसेन का ज्येष्ठ पुत्र था कंस, देवकी का कजिन था। कंस को अपनी बहन के ऊपर बहुत प्रेम आ गया। असुरों के प्रेम का कोई भरोसा नहीं। अब देखिए 5 मिनट के बाद, लेकिन कंस को बड़ा प्रेम हुआ। और इतना प्रेम हुआ कि कंस उस रथ चलाने वाले सारथी को नीचे उतारे और स्वयं रथ चलाने बैठ गया। देवकी और वसुदेव का रथ स्वयं कंस हांकने लगा। जैसे ही कंस उस रथ पर बैठा और घोड़े की लगाम अपने हाथों में पकड़ी, उस समय आकाश में देवताओं के लोक में खलबली मच गई। सारे देवता एकत्रित हुए,
सारे देवता एकत्रित हुए और आपस में मीटिंग करने लगे कि यदि कंस देवकी और वसुदेव का रथ चलाया, यदि कंस देवकी और वसुदेव का रथ चला लेगा तो भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव को कभी मार नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की सेवा करने वाले को कभी मार नहीं सकते। देवकी और वसुदेव कृष्ण के भक्त हैं और कंस उन भक्तों की सेवा करे तो भगवान कंस को कैसे मार पाएंगे। देवताओं के लोक में खलबली मची, देवताओं से रहा नहीं गया और उसी समय सहसा देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। बोल पड़े देवता, अरे मूर्ख, तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। कैसा लगा आकाशवाणी जैसा महसूस हुआ ना? देवकी की आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। जब इस प्रकार से आकाश में से आकाशवाणी हुई, जो कंस देवकी के प्रेम के लिए उस रथ को चलाने के लिए लगाम को खींच लिया था, वही कंस आकाशवाणी सुनकर उस लगाम को छोड़ दिया, एक हाथ से देवकी के बाल को पकड़ा और दूसरे हाथ से म्यान से तलवार खींच लिया और देवकी के मस्तक को काटने गया। उसी समय वसुदेव ने कंस को रोक लिया। बोले महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बहन को मारोगे? तुम्हारी कीर्ति क्या रहेगी? तुम्हारा नाम क्या रहेगा? एक तो ये स्त्री है, ऊपर से तुम्हारी बहन है और ऊपर से उनके विवाह का दिन है, ऐसे अवसर पर अपनी बहन को, स्त्री को मारोगे? कंस ने कहा, लेकिन मुझे भय है इसका आठवां संतान मुझे मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा, मरना किसको नहीं है, और इस दुनिया में जिसका जन्म हुआ है उनको निश्चित एक ना एक दिन मरना है। मृत्यु जन्मताम वीर देहे न सह जायते। हे वीर, हे कंस, एक ना एक दिन सबको मरना है, और अपनी बहन को मारकर मरोगे तुम्हारा परलोक बिगड़ जाएगा, तुम्हारा आने वाला जन्म बिगड़ जाएगा, अतः अपनी बहन को मत मारो। वसुदेव ने बहुत बहुत समझाया, कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें भय किस बात का है? बोले, मुझे आठवें पुत्र का भय है। वसुदेव जी ने कहा, तो देवकी का क्या दोष? महाराज, आप एक काम करो, मैं आपको वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जितने भी संतान जन्म लेंगे मैं आपको सौंप दूंगा, आपको जो करना है सो करना, लेकिन देवकी को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जब वसुदेव जी ने कहा, कंस जानता था वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कंस ने वसुदेव को छोड़ दिया। बोले, ठीक है जाओ, लेकिन जब बालक का जन्म होगा मेरे पास लेकर आना। वसुदेव जी को छोड़ दिया गया। वसुदेव जी अपने घर पर वापस लौटे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, विवाह के ठीक एक साल के बाद देवकी के गर्भ से कीर्तिमान नाम के बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेण सो निर्ताद अति विह्वल। कीर्तिमान नाम के एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अपने प्रण वचन के अनुसार वसुदेव जी उस प्रथम पुत्र को लेकर कंस के पास आए। कंस को वह एक दिन का बालक प्रदान कर दिया।
कंस एक दिन के बालक को देखकर उस बालक को वापस सौंप दिया। कंस को दया नहीं आई, अभिमान था, भले एक दिन का बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेके जाओ इसे। और आकाशवाणी हुई थी, आठवां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण है, आठवें बालक को मेरे पास लेकर आना, बाकी से मुझे कोई भय नहीं है, जाओ। वसुदेव को छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं फिर भी वसुदेव के मन में प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि जानते थे असुरों का कोई भरोसा नहीं, एक पल में प्रेम करेंगे तो दूसरे पल में मारने की बात। अपने उस बालक को लेकर वसुदेव जी चले गए, लेकिन पुनः फिर से देवलोक में खलबली मच गई। फिर से आकाश में सारे देवता एकत्रित होकर मीटिंग करने लगे कि कंस ने प्रथम बालक को छोड़ दिया, अब दूसरा बालक कब होगा, तीसरा कब होगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा होगा या होगा भी या नहीं, क्या भरोसा। कुछ भी करके इन बालकों को मरवाना होगा, देवताओं ने निर्णय लिया। सारे देवता सरस्वती देवी के पास गए, निवेदन किए, माते हे सरस्वती देवी, आप कंस की जिह्वा पर बैठो, उस बालक को बुलाकर मरवा दो। सरस्वती जी ने कहा देखो त्रेता युग में आपके कहने पर मुझसे एक बार गलती हो गई, अब दूसरी बार नहीं करूंगी। जब राम को राजा बनाने वाले थे तब आप लोगों ने कहा था कि मंथरा की जिह्वा पर बैठो और राम को वनवास दिला दो, मैंने प्रभु को वनवास दिलाया, लेकिन अब तुम्हारे बातों में नहीं फंसूंगी। सरस्वती देवी नहीं आई, देवता लोग चिंतित में, ये हमारा काम कौन करेगा, कौन करेगा। रास्ते में नारद मुनि मिल गए, नारायण नारायण। देवता लोग चिंतित में थे, नारद जी ने कोई कहा कोई चिंता, बोले हाँ, बोले क्या चिंता है, बोले काम है और आपके बिना कोई कर नहीं सकता, बोले काम क्या है, बोले किसी को मरवाना है। नारद जी ने कहा ये तो प्रैक्टिस है, किसी के वहां झगड़ा लगवाना हो, कहीं गृहस्थी में आग लगानी हो, या फिर किसी को मरवाना हो, ये तो प्रैक्टिस, बोलो क्या काम है। खैर मैं तो अपनी भाषा में कौतुक कर रहा हूं, नारद जैसे संत इस दुनिया में कौन हो सकते हैं। देवताओं ने कहा कि आप कुछ ऐसा करो कि जिससे कंस उस बालक को मारे। तुरंत नारद मुनि कंस के पास आए। नारद एक ऐसे पात्र हैं जिसका आदर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं, और याद रहे हम लोग उस नारद की परंपरा में हैं। हमें भी हमारे जीवन का आचरण ऐसा बनाना चाहिए जिससे दुनिया के भक्त भी हमसे प्रेम करे और अभक्त भी हमसे प्रेम करे। धीरा धीरज न प्रिय प्रिय करो। षड़ गोस्वामियों के विषय में आया कि धीर तो प्रेम करते थे, जो अधीर थे वे भी हमारे रूप सनातन आदि को प्रेम करते थे। यह है आचरण। लेकिन हमारा तो आचरण कुछ ऐसा है कि जो अधीर है, जो भक्त नहीं है, वो तो प्रेम नहीं करते, जो आजू बाजू में साथ रहने वाले भक्त हैं वो भी प्रेम नहीं करते, आचरण कुछ ऐसा कर बैठे हैं। नारद जी एक ऐसे पात्र हैं, देवता भी आदर करते हैं, असुर भी उतना ही आदर करते हैं। नारद जी कंस के वहां पहुंचे, कंस ने दंडवत प्रणाम किया, नारद का स्वागत किया। नारद जी ने कहा स्वागत क्या कर रहे हो, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। कंस ने कहा मैं मूर्ख, बोले हाँ तुम मूर्ख हो। कंस ने कहा महाराज आप मुझे मूर्ख क्यों करे, बोले उस लड़के को छोड़ क्यों दिया। कहा महाराज एक दिन का बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, और आकाशवाणी हुई थी आठवीं संतान मुझे मारेगी, वो तो पहला था। नारद जी ने कहा वो तेरा बाप विष्णु है, वो विष्णु है, विष्णु जो खंभा तोड़ के प्रकट हो सकता है, वो क्या तेरा नंबर ध्यान में रखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। वो विष्णु कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और आठवें नंबर का ही चक्कर है ना, तो बता इसमें से आठवीं उंगली कौन सी है। कंस यहां से गिना तो ये आठवीं हो गई, और यहां से गिना तो ये आठवीं हो गई। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई,
बोले यार आठवां तो आठवां है लेकिन पहला भी आठवां हो सकता है, विष्णु का कोई भरोसा नहीं, पीछे से गिनती करो तो पहला आठवां हो जाए, आगे से गिनती करो तो आठवां आठवां हो जाए। नारद जी अष्टदल कमल लेकर गए थे, आठ पंखुड़ी वाला कमल था, कहा बताओ इसमें से आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। कंस ऐसे गोल गोल करते गिनता रहा, पता चला पहली भी आठवीं, दूसरी भी आठवीं, तीसरी चौथी, ये तो सभी आठवीं हो रही हैं। तुरंत कंस ने अपने अनुचर को आदेश दिया, जाओ वसुदेव देवकी और उसके बच्चे को लेकर आओ। कंस का अनुचर तीनों को लेकर आया और कहा ये वसुदेव देवकी और उनके बेटे को कारागार में बंद करो। कंस के पिता उग्रसेन ने कहा लेकिन बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। कंस ने कहा मेरे बाप को भी कारागार में डाल, सबको होलसेल में कारागार में डाल। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, वो तो यही करने आए थे। नारद जी चले गए, नारद जी चले गए और यहां पर वह क्रूर कंस देवकी के प्रथम पुत्र को, एक दिन के बालक को अपने हाथ में उठाया और देवकी और वसुदेव के सामने एक शिला के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर उस बालक का पांव पकड़ा और वह क्रूर कंस उस बालक को पत्थर के साथ पटक कर मार दिया। दया नहीं आई। आज ये जो कसाई शब्द हम सुनते हैं ना, कसाई, ये कसाई शब्द कंस नाम से बना है। जिस धातु से कंस बना उसी धातु से कसाई शब्द बना। कसाई माने निर्दयी, कंस माने निर्दयी, वक्रूर निर्दयी कंस एक दिन के बालक को मार डाला। देवकी और वसुदेव के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। कुछ समय के बाद दूसरे बालक का जन्म हुआ। कंस ने दूसरे बालक को भी मार डाला। तीसरे बालक का जन्म, चौथे पांचवें छठे छह बालक का जन्म हुआ और कंस ने उन छह बालकों को पत्थर से पटक कर मार डाला। भक्तों बोलना तो बहुत आसान है लेकिन जीवन में जब बीतती है, जिसके जीवन में बीतती है उसे एहसास होता है। हमारे छोटे छोटे बालक बच्चे होते हैं, खेलते खेलते गिर गए और उनके शरीर में थोड़ी सी चोट लग गई, उस बालक से ज्यादा कष्ट उनकी मां को होता है। और जिस मां के छह पुत्र को उनकी आंखों के सामने पत्थर के साथ पटक कर मारा गया, उस मां के हृदय में, उस बाप के हृदय में कितना कष्ट होगा, कितना कष्ट होगा। देवकी और वसुदेव के जीवन में अत्यंत कष्ट हुआ लेकिन जीवन में जितना कष्ट बढ़ने लगा उतना भजन भी बढ़ने लगा। हम में और उनमें इतना ही अंतर है, हमारे जीवन में जब कष्ट आता है हमारा भजन कम हो जाता है लेकिन भगवान के माता पिता देवकी और वसुदेव के जीवन में जब कष्ट बढ़ा तो साथ ही साथ उनका भजन भी बढ़ने लगा और इसीलिए भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए दूसरे शब्दों में जब भक्तों के जीवन में दुख आते हैं भगवान की इच्छा से आते हैं। भगवान अपने भक्तों को दुख इसलिए देते हैं ताकि भक्त और तीव्रता से भजन करे और उत्कंठा से भजन करे। रास्ते से जा रहे हैं, एक फुट का पत्थर है, यदि सतर्क है तो उस पत्थर के ऊपर पांव रखेंगे एक फुट ऊपर उठ जाएंगे।
भक्ति के मार्ग में जब दुख आते हैं वह दुख हमें ऊपर उठाने के लिए होते हैं, ऊपर उठाने के लिए। ये अवरोध, ये बाधा, ये दुख ऊपर उठने के लिए होता है। लेकिन यदि हमारा ध्यान नहीं रहा और ठोकर लग गई तो हम गिर जाएंगे, खून भी निकलेगा। यदि भजन में सतर्क नहीं रहे, साधना में भक्ति में स्ट्रांग नहीं रहे, तो आने वाले दुखों से हमारा पतन भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं। अतः जीवन में कैसी भी स्थिति आए, भजन को न त्यागे। कई बार कुछ लोग कहते हैं मेरे जीवन में इतना दुख, मेरी तो नौकरी नहीं लग रही है, छोड़ो मैं भजन नहीं करूंगा। बताओ, विचार कीजिए भक्तों। रामायण में एक छोटा सा पात्र जिसका नाम था शबरी, शबर कुल में जिसका जन्म हुआ था, विवाह का समय आया, उनके घर पर बहुत सारे पशुओं को बांधा गया। शबरी ने अपनी मां से पूछा, मां मां आज अचानक हमारे घर पर इतने सारे भेड़ बकरे क्यों? शबरी की माता ने कहा, बेटा बेटा कल तुम्हारा विवाह है और हमारे कुल में, हमारे समाज में ऐसा रिवाज है, बरातियों का स्वागत मांस खिला के किया जाता है। शबरी ने सोचा कि मुझे एक का विवाह है और इतने सारे पशुओं की हत्या, ये ठीक नहीं है। निर्णय ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो ये मरेंगे ना, मैं विवाह ही नहीं करूंगी। रातों रात शबरी अपने घर को छोड़कर घोर वन में चली गई। घोर वन, उस वन में मातंग ऋषि का आश्रम था। सुबह 4 बजे वह मातंग ऋषि जगे, उनके पहले 3:30 बजे जगकर शबरी उस आश्रम को साफ करके आ जाती। मातंग ऋषि देखते कि आश्रम कौन साफ कर रहा है। दूसरे दिन सुबह उठकर साफ कर देती। 10 दिन बीता। एक दिन मातंग ऋषि ने पकड़ लिया, शबरी ने सारी बात बताई। मातंग ऋषि ने अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में एक छोटा सा स्थान दे दिया और अब तो रोज शबरी मातंग ऋषि की सेवा करती है, कथा सुनती है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन मातंग ऋषि की मृत्यु होने लगी। शबरी रोने लगी, बोले, गुरुदेव आप जा रहे हो, आप चले जाओगे तो हमें कथा कौन सुनाएगा, मैं सेवा किसकी करूंगी, मुझे भजन कौन कराएगा। मातंग ऋषि ने इतना ही कहा, शबरी